हरिद्वार में सिडकुल एसोसिएशन के द्वारा 3 दिवसीय सिडकुल एक्सपो लगाया जा रहा है, जिसमें कई कंपनियां स्टॉल के द्वारा आम आदमी के साथ साथ कई उद्योगों के साथ जुड़ने जा रही हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेंद्र ने कहा कि निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में एक्सपो लगाना बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि इसमें न सिर्फ आम आदमी कंपनी के साथ जुड़ता है बल्कि जरूरी जानकारियां जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती वो भी उन्हें आसानी से मिल जाती है। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रतिभाग करेंगे, वहीं केंद्र से केंद्रीय मंत्री भी पहुंचेंगे। इसमें लगभग 210 स्टॉलों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कंपनियों के स्टॉल लगेंगे। इसके साथ ही कई हजार व्यक्ति एक्सपो में पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर गुरुवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं मैन्युफैक्चरिंग से सुदेश बालिया ने कहा कि उत्तराखंड को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए हमने इस एग्जीबिशन का आयोजन किया है। निश्चित रूप से उत्तराखंड के साथ साथ देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, वहीं स्थानीय लोगों को भी कंपनी के उद्योग के बारे में सही रूप से जानकारी मिल पाएगी। देखिए, सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की एक परंपरा है। जब से औद्योगिक परिवेश उत्तराखंड में आया है, हम लगातार हर साल अपने प्रदेश के उद्यमियों के साथ एक इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन करते हैं। इस साल भी होने जा रहा है, समय वही दिसंबर में 21-22-23 दिसंबर को हमें आयोजित कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय आयोजन में हमें उम्मीद है कि हमारी 210 स्टॉल्स से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और लगभग पूरे प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के लगभग 25,000 से 30,000 लोगों की इसमें आने की संभावना है। सिडकुल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने जो ये कदम उठाया पिछले 5-6 साल से, इससे एक लोगों को एक रास्ता मिला है, एक जगह मिली है जहाँ पे आके लोग अपने प्रोडक्ट्स को लगा सकते हैं, तो इससे उत्तराखंड को और ऑल ओवर राष्ट्र को काफ़ी बड़ा बेनिफिट रूप से भी होता है। प्लस लोगों को वेंडर्स भी मिलते हैं, अगर आपको कोई सामान खरीदना है उत्तराखंड का, अगर इंडस्ट्री कोई अगर प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो बाहर के लोग भी आके एग्जीबिशन लगाते हैं, उत्तराखंड के उद्योग भी उसमें इंडस्ट्री लगाते हैं, तो बिजनेस तो डेफिनेटली इससे बढ़ता ही बढ़ता है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।